सो हेलो गाइस, तो वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को तो पता चल ही चुका है कि वीडियो किस पे होने वाला है। तो कल रात को ही मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था कि मेरा जो 315 का सेटअप है वो रेडी हो रहा है। तो उसके लिए जो स्पीकर मैंने लिया है उसी स्पीकर को आज हम अनबॉक्सिंग, थोड़ा डिटेल्स और लास्ट में साउंड टेस्ट भी होगा। और एंडिंग पे दो तीन चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। जो लोग डीजे में आना चाहता है या फिर इन फील्ड में पहले से ही है तो उनके लिए ये बात इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अनबॉक्सिंग से पहले और एक बात कह दूँ कि मेरा एक जो सब्सक्राइबर है तो उन्होंने कहा है कि जो 18 इंची का लो है इस टाइप का, तो उसी डिज़ाइन में मुझे 6 इंची का लो चाहिए जो छोटा वाला होता है। तो उनके लिए मैं बता दूँ, तो देखिए जो मेरा 315 का सेटअप है वो रेडी हो रहा है। वो रेडी होने के बाद ही आपका कैबिनेट रेडी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं भी खुद से कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाए। उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनसे मैंने परमिशन नहीं लिया इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, आपका प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी रेडी हो जाएगा। तो अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। अगर मैं पैकेजिंग की बात करूँ तो पता नहीं मेरी किस्मत में क्यों ऐसा टूटा फूटा बक्सा ही मिलता है। तो खैर छोड़िए, यहाँ पे Q1 ब्रांडिंग, तो यहाँ पे प्रोफेशनल लाउड स्पीकर और पीछे की साइड, एक मिनट में दिखा दूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है Q1, जो मॉडल नंबर है 600 BMJ, ठीक है। ऑरेंज कलर में इसका चेसी है और वन पीस है। तो पैकेट में और कोई डिटेल्स वगैरह नहीं लिखा हुआ है, तो सिर्फ यही है। अभी अनबॉक्सिंग करते हैं। यहाँ पे एक बक्सा खोलने के बाद दूसरा यहाँ पे, और अंदर के तरफ रैपर में पैक किया हुआ हमारा जो स्पीकर है वो पहले ही देख के पता लग रहा है मैग्नेट का साइज़ बहुत बड़ा है। पहले स्पीकर को निकल लेते हैं। और यहाँ पे अंदर और कोई कुछ भी गार्डियल मैनुअल वगैरह नहीं है, पैकेट को साइड में रखते हैं। तो ये रहा हमारा मेन स्पीकर, रैपर से निकल लेते हैं। पहले स्पीकर का क्लोज लुक देख लेते हैं। तो स्पीकर को क्लोज लुक से देखने के बाद आप लोगों को पता चल रहा है यहाँ का जो पेपर का यूज़ किया है Q1 ने, वो थोड़ा सा वाटरप्रूफ हो जाता है। तो थोड़ा बहुत पानी भी गिरेगा तो कुछ होगा नहीं। और यहाँ पे 3 वेब वाला कोन यूज़ किया है और डस्ट कप काफ़ी बड़ा है क्योंकि इसमें 4 इंची का वॉइस कॉल लगा हुआ है। और स्पाइडर की बात करूँ तो यहाँ पे स्पाइडर देख सकते हो, सिंगल स्पाइडर यूज़ किया है, फिर भी स्पाइडर बहुत ही हार्ड है, ठीक ठाक क्वालिटी है। तो इसमें मीट बेस काफ़ी ज़्यादा आने वाला है। यहाँ पे लीड वायर कवर सील्ड है, यहाँ पे पुश टर्मिनल यूज़ किया है कनेक्टर में, दोनों का क्वालिटी ठीक ठाक है। चेसी का क्वालिटी आप देख सकते हो, बहुत हेवी चेसी है ऑरेंज कलर में। एक बार मैं स्पीकर को पलट के भी दिखा दूँ। स्पीकर का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही शानदार है। यहाँ से वेंटिलेशन का जो सिस्टम है यहाँ से चारों तरफ से, और अंदर की तरफ देख सकते हो तो यहाँ पे जो वॉइस कॉल है वो हमको दिख रहा है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे भी एक होल है, अंदर नेट भी लगा हुआ है ताकि डस्ट वगैरह अंदर ना जा सके। यहाँ पे भी Q1 का जो मॉडल नंबर है स्पीकर का, ठीक है, वो दिया हुआ है। और ये ओरिजिनल है या नहीं तो इसका पहचान आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे देखो चेसी में ही एक नंबर दिया हुआ है जो मॉडल नंबर है वो, तो इससे आप पता लगा सकते हो ये ओरिजिनल है कि नहीं। तो 8 ओम्स में 600 वाट RMS पावर। मैग्नेट की साइज़ की बात करूँ तो ये 9.3 इंच का मैग्नेट है। तो इस स्पीकर के बारे में और एक बात बता दूँ, तो इस स्पीकर का जो डायग्राम है वो मुझे कहीं पे नहीं मिला, ऑनलाइन पे भी अवेलेबल नहीं है, और बॉक्स के अंदर भी कोई मैनुअल पेपर वगैरह नहीं था। तो मुझे कुछ खास डिटेल्स के बारे में पता नहीं, बस इतना पता है RMS पावर 600 वाट है, 4 इंच का वॉइस कॉल है, इसके इम्पीडेंस 8 ओम्स है। बस यही दो तीन बातें मुझे पता है। अगर आपके पास Q1 ब्रांड का कोई भी स्पीकर या फिर ये मॉडल का स्पीकर है तो मुझे कमेंट में बताओ कि वो स्पीकर कैसा बजता है। तो देखो सबसे जो मेन बात आता है स्पीकर का वो है प्राइस, कोई भी चीज़ का प्राइस, ठीक है। वो अगर प्राइस टू वैल्यू ऑफर कर रहा है आपको तो वो अच्छा है। देखो जैसे ये वाला स्पीकर 12 इंच का, ये स्पीकर आपको 9,000 में मिले पर पीस, ठीक है, तो ये घटिया है। अगर आपको ये 3,000 या 4,000 में मिले तो ये प्राइस टू परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है, तो ये स्पीकर अच्छा है। तो ऐसे ही बात है Q1 के लिए, ठीक है। तो ऑनलाइन कोई डिटेल्स वगैरह नहीं है तो क्या हुआ, अगर प्रोडक्ट अच्छा बच जाए प्राइस के अंदर रह के वो प्रोडक्ट अच्छा है। तो कुछ लोग कहेंगे कि ये कंपनी अच्छा है, वो कंपनी अच्छा है, इसका कंपनी अच्छा सपोर्ट मिलता है, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग फंडा, ठीक है। तो वो बात साइड में रखते हैं, अभी साउंड टेस्ट में बढ़ते हैं। तो चलो, तो ये रहा एम्पलीफायर से आने वाला तार। तो कोई भी साउंड टेस्ट सॉन्ग लगा लेते हैं हम।
तो गाइस साउंड क्वालिटी कैसा लगा कमेंट पे बताना। मुझे नहीं पता कि रिकॉर्डिंग का साउंड कैसा आया, ठीक है कमेंट में बता देना। और मुझे जितना पता चला, मैं बता दूँ, ये स्पीकर लॉन्ग थ्रो के लिए नहीं है। इसका पेपर का जो डिज़ाइन है उसे देख के कुछ लोगों को पता चल ही चुका है कि ये स्पीकर लॉन्ग थ्रो के लिए नहीं है, क्योंकि ये जो वेब बना हुआ है ना वो साउंड को फैलाता है। लॉन्ग थ्रो थोड़ा सा एरिया कवर करता है और उसका थ्रोनेस बहुत ज़्यादा होता है। ये आप ऑन स्पॉट अगर फील करना चाहते हो कि नाम नहीं मेरा सेटअप बज रहा है, तो उस टाइप का स्पीकर है ये। लॉन्ग थ्रो के लिए लेना चाहते हो तो स्पीकर के साथ आप मत जाओ, ये लॉन्ग थ्रो के लिए नहीं है। और इसका जो बेस का थोड़ा बहुत वाइब्रेट आपको मिल जाएगा, और उसके साथ ये स्पीकर मिड बेस के लिए, मुझे जितना पता चला मिड बेस के लिए बहुत ही अच्छा है, तो इसका मिड बेस बहुत अच्छा आ रहा था। अभी देखो स्पीकर का प्राइस क्या है। स्पीकर का प्राइस आपको पर स्पीकर 6,000 से लेके 6,500 के अंदर ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये जो प्राइस पॉइंट पे ये जो साउंड क्वालिटी आपको ऑफर करता है वो बहुत ही तारीफ़ काबिल है। देखो दूसरा कंपनी भी है जो इससे अच्छा है, लेकिन उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ जो प्राइस टू परफॉर्मेंस है आप उसके साथ जाओ। और हाँ, एक कंपनी का सपोर्ट भी चाहिए, तो वो बात भी अलग से हो जाता है। देख सकते हो प्राइस टू परफॉर्मेंस ये तो अच्छा बज रहा है मेरे हिसाब से। आप भी चेकआउट कर सकते हो स्पीकर को, मेरे कहने से आप मत लो। आप आसपास के जो आपका फ्रेंड्स वगैरह है उससे जाके पूछ के आप लो, साउंड टेस्ट देखो आप, उसके बाद ही जाके लो। लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो मुझे काफी अच्छा लगा। जो इसका प्राइस है और जो इसका साउंड का क्वालिटी है वो काफी अच्छा है। तो मुझे लगता है मैंने स्पीकर का जो सारा डिटेल्स वगैरह है मैं बता चुका हूँ, और कुछ रह गया है तो कमेंट करो, मैं कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। तो स्पीकर को लेना चाहते हो तो आसपास के डीलर से कांटेक्ट करो, या फिर मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके मेरा व्हाट्सएप नंबर लेके मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। हालांकि धमाकेदार वीडियो आ रहा है क्योंकि मेरा 315 का जो सेटअप है वो रेडी हो रहा है, मिलते हैं उसी वीडियो में। तो तब तक के लिए चलता हूँ दोस्तों, दुआ में याद रखना।